चंदा लो और दद्दा दो, वो पॉलिसी चल रही है देश के अंदर। अगली बार 400 पार की बात है तो 400 पार है तो फिर आप 500 पार करोगे क्या? नई सरकार टेक ऑफ भी नहीं कर पा रही, अभी वो रिमोट से चल रही है। ये जो चाले चली जा रही है प्रधानमंत्री लेवल पर कभी देखा नहीं हमने, जो भाषा वो बोलते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अजीब गरीब है। हिंदू को 5 लाख दिया, मुसलमान को 50 लाख दे दिया। गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, अब उनको पूछो उस वक्त हो रहा था या आज हो रहा, आपके वक्त में हो रहा। राम मंदिर की बात करते हैं, अरे लोकतंत्र है, अगर आप हिम्मत है, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, सीना चलनी हो गया, सब कुछ किया। उसके बाद में भी जो भ्रम फैलाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, उसके कारण से सरकार नहीं बन पाई हमारी। इलेक्ट्रो बॉन्ड मैंने 2019 में कह दिया था कि ये संस्था का करप्शन है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा करप्शन ये है, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का कचरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, इंदिरा गांधी ने कहा था। इंडिया गठबंधन का बहता सतारा है, मोदी जी को भी अमित शाह जी को भी ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। अगर ये चुनाव जीत गया वापस पहले की तरह है तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है मेरे पूर्व डॉक्टर बता चुके हैं। देश के हालात बहुत गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है उसकी ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, चिंताजनक स्थिति। जो समझने वाले समझ रहे हैं, और आप समझते हैं कि नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में पश्चाताप सबको होगा। हालात बहुत गंभीर है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के माध्यम से शासन हो रहा है देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियाँ क्या है, 14 में क्या बोले थे, आज वो खुद नाम नहीं लेते हैं, काला धन लेके आएंगे, बड़ा मुद्दा था उस वक्त में, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, नाम नहीं ले रहे आज कोई भी, 15 लाख खाते में डाल देंगे, वो तो जुमला साबित हो गया। लोकपाल के लिए अन्ना हजारे बैठे थे दिल्ली के अंदर, 10 साल में लोकपाल कोई बात करता है? यूपीए गवर्नमेंट ने बदनाम किया गया झूठा, 2G स्पेक्ट्रम में और कोलगेट में, 10 साल में क्या हुआ उनको, कभी बात की 2G स्पेक्ट्रम की या कोलगेट की, कोई जेल गया? तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा शासन है देश के अंदर, अब भी नहीं संभले। हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब क्या कहते हैं, अगर ये चुनाव जीत गया वापस पहले की तरह है तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अगर ये बात कहता है तो आप सोच सकते हो कि कितनी चिंताजनक स्थिति देश के अंदर है। चुनाव हुआ, हमारे खुद का प्रधानमंत्री 18 बार आए राजस्थान के अंदर, उनके मुख्यमंत्री आए 5-6, केंद्रीय मंत्री आए, कितना झूठ बोल के गए, हिंदू को 5 लाख दिया, मुसलमान को 50 लाख दे दिया। आप बताइए, इस प्रकार आप चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करो, कन्हैयालाल की हत्या हुई, 2 घंटे में मोदी पकड़ लिए गए, 2 घंटे में, मैं खुद उनके घर पे गया, 2 बच्चों की नौकरी दी, बच्चे मुझसे मिलने आए 10-15 दिन बाद में। आप बताइए, इतना झूठ फैलाया गया चुनाव में, 50 लाख दे दिए यहाँ जयपुर के अंदर मुसलमान को, उसको 5 लाख ही दिए, सोशल मीडिया में पूरे देश भर के अंदर देखा गया। ये जो चालें चली जा रही है प्रधानमंत्री लेवल पर कभी देखा नहीं हमने, जो भाषा वो बोलते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो अजीब गरीब है। इस प्रकार से वो केस दे लिए NIU को उसी दिन रात को, हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय एंगल होगा, हम बोले नहीं उस वक्त में। आज हम उनसे पूछते हैं कि आपको चुनाव में फायदा लेना था, जानबूझ के आपने NIU का केस दिलाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर राजस्थान पुलिस के पास कैसे होता, आज उन दोनों मुजरिमों को फांसी हो सकती थी। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण है, आगे कार्रवाई क्या हुई, आप बता क्यों नहीं रहे लोगों को? इस प्रकार के हालात में हम चल रहे हैं, आपको हमको समझना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे सरकार ने काम अच्छे किए किसानों के लिए, अलग बजट पेश किया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी,
19,000 करोड़ रुपये हमने रिलीज किए महंगे इलाज के अंदर, 1 करोड़ लोगों को बिजली का बिल जीरो कर दिया, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन बढ़ा दी गई, 15% ऑटोमेटिक बढ़ेगा, कानून पास कर दिया, संविधान का अधिकार का कानून पास हो गया देश के अंदर। नंबर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर चिरंजीवी योजना लाई गई, 25 लाख का बीमा, कितने लोगों को फायदा होगा सोच सकता है। शिक्षा में बैठे अध्यक्ष जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, गांव गांव में इंग्लिश स्कूल खुल गई, 50,000-1 लाख फीस लगती है अंग्रेजी स्कूलों के अंदर, पहली बार प्रयोग हुआ, पूरे देश में की चर्चा हुई। शिक्षा में कॉलेज खोल दिए, 300 कॉलेज खोल दिए, 70 साल में खुले 250 कॉलेज, हमने खोल दिए 310 कॉलेज खोल दिए, 130 महिलाओं कॉलेज खोल दिए, और 500 महिलाएं होगी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, नारा दे दिया हम लोगों ने। तो कहने का मतलब काम में कोई कमी रही नहीं, उसके बावजूद भी किसानों के लिए दूध उत्पादनों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दिया, सब कुछ किया, उसके बाद में भी जो भ्रम फैलाया गया, झूठे आरोप लगाए गए, उसके कारण से सरकार नहीं बन पाई हमारी। मैंने कहा आपने देखा होगा चुनाव के बाद में कि मुझे इसका दुख कम है कि मैं चुनाव हार गया, ज़्यादा दुख इस बात का है कि देश के भविष्य लाभ पे लगा हुआ है, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है, इस खतरनाक मोड से हम चल रहे हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, उसी रूप में एक पार्टी के राज हो, चुनाव दिखावे के हों, वो आभास लगने लगे लोगों को, आभास होने लगे पब्लिक को भी। मैं अभी गया भरतपुर में, मेरे पास पैसेंजर बैठा था ट्रेन के अंदर, वो मुझे कहने लगे था चुनाव आगे होंगे कि नहीं होंगे। आप सोच सकते हैं कि आप तो कांग्रेस और CPM के लोग बैठे साथ में, आप समझ सकते हैं कि हालात बहुत गंभीर हैं, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा किस प्रकार से हमें आने वाले वक्त के अंदर चुनौती का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ जहाँ सीट शेयरिंग हो रहा था, मुझे खुशी है कि CPM को एक सीट राजस्थान सीकर में मिली है। हम चाहेंगे कि अब मिलकर के इंडिया गठबंधन का बैठा सतारा है, मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, आज पार्टी में ले रहे हैं और उसको टिकट देने राज्यसभा का या लोकसभा का, आप देख लीजिए क्या हो रहा। नीतीश कुमार को पकड़ के लेके आ गए, अगर आप अगली बार 400 पार की बात है तो 400 पार है तो फिर आपके 500 पार करोगे क्या, आपकी जरूरत क्या इस प्रकार से ताबड़तोड़ फैसले करने की। ये अपने आप में वंदना गांधी ठीक कह रही थी, इतना भय इनके अंदर है, भय है कि आज कांग्रेस नेताओं को तोड़ो, चंदा लो और दंदा दो, वो पॉलिसी चल रही है देश के अंदर। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, इलेक्ट्रल बॉन्ड मैंने 2019 में कह दिया था कि ये संस्था का करप्शन है, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा करप्शन ये है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में जबान नहीं खोले BJP वाले, प्रधानमंत्री शब्द नहीं बोलते, ये भी उनका एक अप्रोच है चुप रहने का, अपना भी मुद्दा है ख़त्म हो जाएगा, मुद्दा ख़त्म नहीं होगा। पब्लिक बहुत समझदार है, रॉबर्ट कॉमेंट है हमारे देश के लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, कानों कान खबर नहीं लगी उस वक्त में, सोनिया गांधी जी ने सबको ये किया, वाजपेयी जी गवर्नमेंट के वक्त में फेल गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रहा था, सरकार चली गई, 10 साल तक चली UPA गवर्नमेंट, शानदार काम किया। जो भी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या क्या नहीं किया गया उस वक्त में, सब कुछ किया गया, और उसके बाद में झूठा आरोप लगा करके सत्ता त्याली, क्या माहौल बनाया था उस वक्त मोदी जी ने पूरे देश के अंदर। गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, अब उनको पूछो उस वक्त हो रहा था या आज हो रहा, आपके वक्त में हो रहा है, आज कितना हो रहा है। हम तो गाय भक्त हैं, राम गटगट के अंदर है,
मैंने गायों के लिए अलग विभाग बनाया 2013 के अंदर। तमाम जो गौशाला उनके प्रबंधों को पूछो, वोट दे नहीं दे वो अलग बात है। विभाग मैंने बनाया, अनुदान हमने दिया, सरकार बदल की बाद में 500 करोड़ खर्च किए वसुंधरा जी ने, और मैंने अभी 5 साल में 3000 करोड़ रुपये अनुदान दिया गायों को, गौशालों को दिया। ये किस मुँह से बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। अरे लोकतंत्र है, अगर आप हिम्मत है तो क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या सिद्धांत आपके हैं, क्या प्रोग्राम आप देना चाहते हो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वो बताओ आप। वोट उसके आधार पर मांगो। और बेरोजगारी कितनी भयंकर है, राहुल गांधी की यात्रा किस बात के लिए है? भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, 5 पेज प्रोग्राम दिए गए न्याय के, आप पढ़िएगा, जल्दी मैनिफेस्टो आने वाला कांग्रेस का, विस्तार से लिखा मिलेगा आपको। किसानों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, दलितों के लिए क्या है, एक थीम लेके उन्होंने यात्रा करी थी इस भर के अंदर। कितना भयंकर महंगाई है, महंगाई की माल महिला हमारी बहनें माताएं बैठी है जानती हैं, बेरोजगारी कितनी भयंकर है। आपको हमको सोचना पड़ेगा देश किस दिशा में जा रहा, हमारी ड्यूटी क्या बनती है। इसलिए हम सब अपील करना है आपसे, ये चुनाव अमरा राम जी का खाली नहीं है, ये चुनाव देश का है, ये चुनाव देश के भविष्य का है, ये चुनाव लोकतंत्र को जिंदा रखने का है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, छीना छलनी हो गया। उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, उड़ीसा में कहा था एक दिन पहले ही, उनका आभार था, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा था मेरी जान जा सकती है। उड़ीसा में क्या कहा उन्होंने, हो सकता मेरी जान चली जाए, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का कचरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, इंदिरा गांधी ने कहा था। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमाली में शांति स्थापित करते करते, कभी नाम लेते मोदी जी, जिसने देश बनाया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक देश को एक अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंडित नेहरू का योगदान दुनिया जानती है, कोई नाम नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। इसलिए सही फैसला किया इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों ने। मैं आपके सीकर से, इस मंच से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, समझदारी परिचय दिया है। लोगों में आशंका थी कि इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होगा, उनके देखते देखते कामयाब हो गया। उनका नमूना है कि अमरा राम जैसा कॉम्रेड आज यहाँ उम्मीदवार है, कांग्रेस को समर्थन कर रही है। अमरा राम जी को क्या करें, अमरा राम जी और मैं साथ साथ चले हैं। मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था 80 के अंदर, और ये 80 में सरपंच बने थे गांव के, समझ सकते हो कि ये लोकतंत्र है। ये संघर्ष करते रहे क्योंकि सीपीएम में थे, कांग्रेस ने अपनी पहचान बनाई है, चाहे सरपंच के रूप में हो, चाहे 4 MLA रहे हो। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी MLA थे, और मुझे भी नहीं छोड़ते थे, ये कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं। अमरा राम उस व्यक्ति का नाम है जो अपने असूलों के लिए, जो इशू के लिए, चाहे किसानों का हो, गरीब का हो, गांव का हो, पकड़ लिया उसको सामने, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं, इस प्रकार व्यक्तित्व ही बैठा हुआ है। इसलिए मैं अमरा राम को खूब जानता हूँ, और इनके व्यवहार को जानता हूँ, इनके काम के तरीके को जानता हूँ, इनके संघर्ष को तो सीकर का बच्चा बच्चा जानता है, मैं अब क्या कहूँ उसके बारे में। अब तो जो दिन बात की है कि हमने सबने जो अपील की है उसका असर आप जो आए हो उनके माध्यम से गांव गांव में पहुँचे। चुनाव चुनावी होता है, चुनाव जीतने के लिए आप माध्यम बने हो, आपने इतिहास बनाए आकर के इस मीटिंग में, और मुख्यमंत्री भी आए यहाँ पर बाबा के लिए, बाबा ने क्या काम किया, ऐसे बाबा 25 रहे राजस्थान के अंदर, एक वो हनुमान बेनीवाल जी आ गए, अब एलायंस में आ गए हमारे साथ में, गठबंधन में आ गए हैं। इनको पूछो चॉइस बीजेपी वाले नेताओं को, तुम तो बीजेपी के थे, वो तो RLP के MP थे मान लो, वो सरकार में नहीं थे,
आप 24 जो बाबा थे राजस्थान के, उन 24 बाबाओं ने कौन सी आवाज़ उठाई है बता दीजिए मुझे, राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। इधर बता यमुना की बात करते हैं, आवाज़ लटकाने लगे हैं। ऐसे ये ढोंगी लोग हैं कि यमुना का पानी आएगा कि नहीं किसी को नहीं मालूम है। कितने अरसे काम चल रहा है, ERCP की बात चल रही है, CM हरियाणा बोल चुके हैं, और आवाज़ व्यक्त करने मीटिंग करने लग जाते हैं लोग, मार्केटिंग करने बड़े उस्ताद लोग हैं ये, मोदी जी सीखते हैं सब लोग। इतने में आपसे अपील करूंगा कि कहने को बहुत सारी बातें, सुबह से आप बैठे हुए हो और जिस तन्मय से आप बैठे हुए हो ये भी शुभ संकेत हैं। ये संकेत आप दे रहे हो, आप चुनाव तक आप कोई कैसे छोड़ोगे नहीं, और भारी बहुमत से अमरा राम को आशीर्वाद दोगे, दुआएं दोगे और कामयाब करोगे। इसलिए मैं आपको बाद में अपील करूंगा, इतिहास बन रहा है CPM और कांग्रेस के साथ में, इतिहास बन रहा है। ये सीट निकलेगी हमारी, माहौल राजस्थान बदल चुका है, लोग हमारी योजनाओं को याद करें गांव गांव के अंदर, लोगों को पश्चाताप भी हो रहा है सरकार क्यों नहीं बनी, नई सरकार टेक ओवर भी नहीं कर पा रही अभी, वो रिमोट से चल रही है और झूठे आरोप लगा के जीते हैं। इन चुनाव में हम पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी से, उन नेताओं को, आप बताइए कि आपने आरोप लगाए थे उनमें सच्चाई क्या, बताइए आप, हम उनसे सवाल पूछेंगे। इसलिए मैं आपको अपील करूंगा कि आपको अच्छा उम्मीदवार मिला है, आपकी आवाज़ बहुत भयंकर बहुत ताकत के साथ में गूंजेगी पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ की समस्या हो, प्रदेश की समस्या हो, किसानों की हो, मजदूरों की, गरीबों की हो, दलितों की हो, कोई कमी रखेंगे नहीं, ऐसा एक सशक्त नेतृत्व आप देने जा रहे हो। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो आए हो वो कोई कैसे छोड़ना मत, और भारी बहुमत से आप इनको जिताओ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।